नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर सुनवाई। 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। असम और त्रिपुरा वाले करेंगे जवाब दाखिल। 3 जजों की बेंच में होगी सुनवाई। खबर दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर सुनवाई टली। 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। असम और त्रिपुरा वाले करेंगे जवाब दाखिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से, जहां पर 3 जजों की बेंच में होगी सुनवाई। खबर दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर सुनवाई टली। अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। असम और त्रिपुरा वाले करेंगे जवाब दाखिल। 3 जजों की बेंच में होगी सुनवाई। तो बड़ी और अहम खबर दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर सुनवाई टली है। 6 दिसंबर को होगी अब अगली सुनवाई। असम और त्रिपुरा वाले करेंगे जवाब दाखिल। 3 जजों की बेंच में होगी सुनवाई। खबर दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर सुनवाई टली। 6 दिसंबर को होगी अब अगली सुनवाई। असम और त्रिपुरा वाले करेंगे जवाब दाखिल। 3 जजों की बेंच में होगी सुनवाई। खबर दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट में सीएए को लेकर सुनवाई टली। 6 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सीए को लेकर जो आज फैसला आने वाला था, उसकी सुनवाई अब टल चुकी है। 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, लगातार, क्योंकि अगर हम सीए और नाथ की बात करें तो जो याचिकाएं हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 225 से ऊपर याचिकाएं जो है वो यहाँ पे डाली गई थी, और उसे भी याचिकाओं को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिशा निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने असम और त्रिपुरा सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया है जब उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मेन 2 या 3 याचिकाएं हैं उन्हीं को लेकर सुनवाई होगी और उन याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाए, और इसके लिए बाकायदा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जो याचिकाकर्ता है उनके लिए पल्लवी प्रताप को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि प्रतिवादी पक्ष के लिए कनु अग्रवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो ये तमाम याचिकाकर्ता जो है ये नोडल अधिकारी के सामने अपनी बात रख सकते हैं, और 6 दिसंबर तक जो तमाम केसेस हैं इन सबको सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। यानी कहा जा सकता है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट मामले के आगे सुनवाई करेगा, जबकि इन तमाम केसों की संख्या कम हो जाएगी। वह 2 या 3 केस होंगे जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ सुनवाई करेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कम याचिकाएं होगी तो उससे डिसीजन जल्द आ सकेगा, केस जो है पेचीदा नहीं होगा, तमाम जो केस के रिजल्ट आने में जो देरी होती है उस तरह की देरी नहीं होगी। और यही बड़ी बात है, अब इन केसों ये याचिकाकर्ताएं जो है इन्हें नोडल अधिकारी के समक्ष अपनी बातें रखती है, और दूसरी इन केसों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। 3 हफ्ते के अंदर असम और त्रिपुरा सरकार अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। बिल्कुल, हमें 3 हफ्तों का समय दिया गया है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो असम और त्रिपुरा वाले जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर सुनवाई टाल दी गई है। 6 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। तो
खबर दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो सीएए की आज सुनवाई होने वाली थी वह सुनवाई टल चुकी है। आगामी सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी, जिसमें असम और त्रिपुरा वाले करेंगे जवाब दाखिल। 3 जजों की बेंच में होगी सुनवाई। आपको बता दें 200 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनको लेकर अब